जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बच्चों, आसमान में बादल छा रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। पिताजी हम तो काम कर ही रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई एक जन और होता पिताजी तो काम जल्दी जल्दी हो जाता। ठीक बोला तुमने, बड़े भाई तो हमेशा घर पे ही रहते हैं, क्या वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते पिताजी? हाँ उसको तो मैंने कितनी ही बार कहा है कि खेती बाड़ी के काम में मेरा हाथ बटाया कर, मगर वो सुनता ही नहीं है, दिन भर बिल्लियों के चित्र बनाता रहता है। तुम हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी काम करो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो फिर से बिल्लियों के चित्र बनाना शुरू कर दिया इसने। और क्या करूँगा पिताजी, बचपन से मुझे केवल एक ही चीज तो पसंद है जो मुझे बहुत अच्छे से बनाने आता है, बिल्ली का चित्र बनाना। बिल्ली का चित्र बना के मैंने न जाने कितने इनाम पाए हैं। देखिए पुरस्कार से क्या पेट भरा जाता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि कुछ काम काज किया कर, लेकिन घर का सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद तू मेरी एक नहीं सुनता और दिन रात चित्र बनाता रहता है। आप तो जानते हैं पिताजी मुझे आपके काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुझे सिर्फ बिल्ली का चित्र बनाना ही अच्छा लगता है। देखिए पिताजी ये चित्र कैसा बना है बताइए। ये देखो बरसात होने वाली है, अब तुम मेरे साथ चल, वहाँ चल के खेत पे सारे धान को संभालना पड़ेगा वरना बारिश में सारा धान खराब हो जाएगा। नहीं पिताजी, आधा चित्र बना के मुझे फिर कोई दूसरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता पिताजी। अच्छा नहीं लगता तो भी हमें करना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है बेटा। ये कैसे हुआ, बड़े भैया तो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ तूने ठीक कहा, कुछ देर पहले इधर ही थे लेकिन अभी गए कहाँ? क्या हुआ बच्चों, तुम लोग रुक क्यों गए हो? कुछ नहीं पिताजी, बड़े भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे इसीलिए। ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने अभी उसे सर पर धान का बंडल लेकर जाते हुए देखा। चलो मेरे साथ देखते हैं। क्या करूं इस लड़के का, बारिश आने ही वाली है, जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे बेवकूफ, अभी तू फिर से बिल्ली के पास आ गया है, मैं अभी तेरा ये शौक पूरा करता हूँ, चल मेरे साथ घर, आज या तो तू रहेगा या मैं रहूँ। मैं क्या करूँगा पिताजी, ये बिल्ली मुझे ऐसे बुला रही थी कि मैं रुक ही नहीं पाया, मैं उसके साथ खेले बिना रह ही नहीं पा रहा था। और वहाँ अगर सारा धान और फसल बर्बाद हो गई पानी से क्या होगा जानते है तू? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अब मैं तुझे घर पर बिठा कर यूँ खिलाने की मूर्खता नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें मुखिया जी के घर छोड़ कर आऊँगा, वो ही तुम्हें सीधी लाइन पर लाएंगे। क्या बताएं, कल रात वो शैतान फिर से आया था मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, वो शैतान कुछ भी नहीं जानता है, अगर वो खाना शुरू कर देता है तो गाय बैल बकरी सब कुछ खा लेता है मुखिया जी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बिना खाए ही मर जाएंगे। इसका कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर होगा मुखिया जी, आपको कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना ही होगा। ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, मगर इस शैतान के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाने में मैं असमर्थ हूँ। कहीं वो इंसान से दोगुने होते हैं या इंसान से 10 गुना चौड़े होते हैं, अगर वो इतने भयानक और खतरनाक हैं तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? अब आपके पास क्या उपाय है मुखिया जी? तुम लोग चिंता मत करो बिल्कुल, मैं कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लूंगा, बस शाम होने के बाद ना तो तुम घर से निकलना और ना ही अपने जानवरों को घर से बाहर जाने देना, समझ गए?
आपके घर आने की बजाय मैं आपसे यही मिलने चले आया मुखिया जी। अरे तुम बड़े बच्चे को लेकर क्या तुम किसी मुश्किल में हो? सच बताना। कोई तो बात है मुखिया जी, वरना मैं इस वक्त आपके पास क्यों आता? अपने बड़े बेटे से मैं पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया तुमने? नहीं मुखिया जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ एक बिल्ली का चित्र बनाया था और मेरे पिताजी मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए। अब बताइए क्या करूं? यही तो समस्या है मुखिया जी, इसे ना तो घर का ख्याल है ना फसल का ख्याल है, बस दिन रात बिल्लियों के चित्र बनाता रहता है। बस इसी समस्या की वजह से मुखिया जी मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही इसे संभालिए और सही रास्ते पर लाइए। अच्छा किया। सुना बेटा, अब तुम्हें आज से मेरे ही साथ रहना है और मेरी कही बातें माननी है। कहीं तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मुझे आप अगर बिल्ली का चित्र बनाने देंगे, मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं। देखा देखा, फिर से ये बिल्लियों की बात कर रहा है। सुन रहे हैं आप, इसे बिल्लियों से पीछा छुड़ाना होगा, तभी इसका काम में मन लगेगा। आप ही कुछ कीजिए बाबा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा बच्चा बिल्लियों के चित्र बनाने में पारंगत है और यही कला उसे बहुत आगे ले जाएगी। बिल्लियों के चित्र भी भला इंसान को कहीं आगे ले जा सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मुझे निकलना होगा, मैं कुछ समय बाद फिर आऊंगा और इसके हालचाल पूछूंगा। चलो चलो बेटा, मेरे साथ चलो, अब तुम्हें और हमें मिलकर सारे काम करने हैं। मैं तो गांव में पहली बार आया, क्या मैं गांव में घूमकर देख सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, शाम ढलने के बाद इस गांव में शैतान आता है। चलो चलो जल्दी चलो घर चले। शैतान? ये शैतान दिखने में कैसा लगता है? बहुत बड़ा चेहरा है उसका, इंसान से कद भी उसका दुगना है और मोटा लंबा इतना है कि आदमी बेहोश हो जाए उसे देखकर। सुनो, आज के बाद तुम्हें इसी घर को अपना घर समझना है। अब अपने हाथ पैर धो लो और फिर मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ, समझे? इतना बड़ा घर, मुझे बड़ा अकेला अकेला महसूस हो रहा है, अकेला अकेला। ये किस चीज की आवाज है मुखिया जी? मैंने जिस शैतान का जिक्र किया था ना, वही शैतान आ गया लगता है। सर्वनाश, शायद शैतान को ये पता चल गया है कि मैं गांव वालों को उससे बचने का उपाय बताने वाला हूँ, इसीलिए वो हमारे घर की तरफ आया है। क्या होगा मुखिया जी, क्या हम लोग बचेंगे? वो शैतान तो हमें खा लेगा पक्का। हमें बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है जो हमारी मदद करेगा, बचाओ। सुनो सुनो, सब लोग अंदर से ले आओ। देखो देखो, इस शैतान का क्या हाल हुआ है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये सब आखिर कैसे हुआ मुखिया जी? सच कहो तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। न जाने कहाँ से मेरे घर में बिल्लियाँ आईं और इस शैतान चूहे पर आक्रमण करके इसे मार डाला। आपको तो कभी बिल्ली पालते नहीं देखा मुखिया जी, आपके घर में बिल्लियाँ कैसे आ गई? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे घर में बिल्लियाँ आई कहाँ से, ये क्या, ये सब कैसे? ये तो मैं थोड़ी देर पहले ही बनाया था मुखिया जी। समझ गया, सब समझ गया, ये सब तुमने किया है। हम हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता था, बस ये रक्षा पूरन ने की है। लेकिन मैंने बिल्ली का नाखून ऐसे तो नहीं बनाया था, उनका भाव आखिर बदल कैसे गया? अब समझ में आया। Thank you.
ये देखो तुम्हारे पूरन ने क्या कमाल किया है, उसने हम सब की रक्षा की है। लेकिन बाबा, पुरंदर ने आखिर ऐसा किया क्या है? पूरन बेटा के हाथ की बनी बिल्लियों ने पूरे गांव की रक्षा की है उस शैतान से जो चूहे के रूप में आता था और पूरे गांव की फसल को और लोगों को तंग करता था। मगर उन बिल्लियों ने, उन सब ने मिलकर उस शैतान पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। मुझे 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 माफ कर दीजिए पिताजी, मैं कभी अब बिल्ली का चित्र नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे तुम? इस गांव में तुमसे बड़ा कोई चित्रकार ही नहीं है। ये बात आज मैं कहता हूँ। मैं, मुखिया जी ने ठीक ही तो कहा है, जिस काम को करने में व्यक्ति को खुशी मिले उसे वही काम करने देना चाहिए। इससे पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है और प्रकृति यदि साथ दे तो आदमी की जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। हमारे रक्षक पूरन की जय, हमारे रक्षक पूरन की जय, हमारे रक्षक पूरन की जय।